अगर आप मन चाहा वशीकरण करना चाहते हैं और बिना मंत्र जाप के, बिना किसी अनुष्ठान के, तब आप इन तीन चीजों को, इन तीन वस्तुओं को अगर जहां पर अर्पण करते रहेंगे, जहां पर आप चढ़ाते रहेंगे, तो जैसा भी आप वशीकरण करना चाहते हैं वैसे ही वशीकरण की आपको, वशीकरण शक्ति की, मन चाहे वशीकरण की आपको प्राप्ति हो जाएगी और आप खुद ही इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग करने के बाद आप खुद ही किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो इसका जो पूरा विश्लेषण है आगे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से मैं पहले आपको बहुत सी वशीकरण करने वाली शक्तियों की जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ और मंत्रों की विधियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत से उपाय, बहुत से टोटके और उनकी जो विधियाँ हैं कि कैसे आप वशीकरण शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके लिए केवल तीन वस्तुएं आपने अर्पण करनी है इस स्थान के ऊपर। तो जब आप इन तीन वस्तुओं को इस स्थान के ऊपर अर्पण करना शुरू कर देंगे तो आप मन चाहा वशीकरण कर सकते हैं। जो भी आपके दिल में है, जिसको भी आप चाहते हैं, अगर आपसे रुष्ट होने के बाद आपसे कोई व्यक्ति दूर है तो उसकी वापसी कर सकते हैं। जैसा भी आप वशीकरण चाहते हैं, जिसको भी आप अपने दिल से चाहते हैं उसको पाना चाहते हैं और आपके दिल में उससे मिलने की, प्यार की तड़फ है, तो सामने वाले के दिल में भी आप प्यार की भावना, प्यार की तड़फ पैदा कर सकते हैं इस टोटके की विधि के द्वारा। तो आपने वह जो तीन वस्तुएं हैं कैसे आपने अर्पण करनी है, किस दिन आपने अर्पण करनी है, तो मैं आगे आपको ये बताने जा रहा हूं। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं। और इसके अलावा अगर आप घर बैठे कोई वशीकरण करवाना चाहते हैं या फिर कोई घर का कीलन करवाना चाहते हैं या फिर कोई रक्षा सूत्र, धागा, तावीज, जंत्र या फिर सिद्ध की हुई रुद्राक्ष की माला आप हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, माता काली, बाबा भैरवनाथ और पितृवाधा को दूर करने वाले अष्ट धातु के जंत्र अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं या फिर मेरे साथ घर की किसी समस्या के बारे में पर्सनली आप बात करना चाहते हैं, तब आप ये जो नीचे आप ये पट्टी देख रहे हैं इसके ऊपर ये जो मोबाइल नंबर हैं, व्हाट्सएप के ये नंबर हैं, तो इनके ऊपर आप मेरे साथ बात करने के लिए अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं और कोई भी हवन सामग्री की बुकिंग भी इन्हीं नंबरों के ऊपर आप करवा सकते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर। तो आप कैसे मन चाहा वशीकरण कर सकते हैं इन तीन वस्तुओं को अर्पण करने से। तो जो यह तीन वस्तुएं हैं, आपने पांच शुक्रवार रेगुलर या तो पीपल के पेड़ के नीचे या फिर आंकड़े के, आकमदार के पौधे के नीचे जाकर आपने अर्पण करनी है या फिर माता श्यामकुर मोहिनी जी के मंदिर में। तो वह तीन चीज क्या हैं? दो अगरबत्ती जोड़ा आपने अगरबत्ती का लेना है, ये पहली चीज हो गई। और दूसरी आपने लेनी है सात प्रकार की मिठाई, तो यह दूसरी चीज हो गई। और जो तीसरी वस्तु है वह आपने लेना है एक मीठा पान, और जो वह मीठा पान होगा डंडी वाले पत्ते के ऊपर आपने इस पान को लगवाना है और इस पत्ते के ऊपर आपने चूना नहीं लगवाना क्योंकि ये पूजा वाला पान होता है।
तो आपने ये तीनों चीज, दो अगरबत्ती, सात प्रकार की मिठाई का एक एक पीस और एक मीठा पान, तो आपने साफ वस्त्र पहनने के बाद जिसको भी आप वशीकरण के लिए, आप ये जो टोटका कर रहे हैं, जिसको भी आप अपने वश में करना चाहते हैं, वशीकरण शक्ति का जिसके लिए आप प्रयोग करने जा रहे हैं, उसको आपने अपनी आँखों में बसाना है, अपने हृदय में उस व्यक्ति को आपने बसाना है और माता श्याम कुर मोहिनी जी का आपने ध्यान धरना है कि हे माता श्याम कुर मोहिनी, हम आपका ये लुहा भोग प्रसाद देने जा रहे हैं और जिस व्यक्ति के लिए हम ये वशीकरण शक्ति का प्रयोग करने जा रहे हैं, जो भी हमारे मन की इच्छा है आप उसको पूर्ण करें। तो उसके बाद साफ वस्त्र पहनने के बाद सुबह या शाम, या तो सुबह सूर्य उदय होने से पहले या फिर रात्रि सूर्य अस्त होने के बाद आपने इस विधि का प्रयोग करना है। तो आपने ये जो दो अगरबत्ती है आपने लेकर जानी है, देखो पीपल के पेड़ के नीचे या फिर आंकड़े के पौधे के पास। तो आपने ये जो विधि है, पांच शुक्रवार रेगुलर आपने इस विधि का प्रयोग करना है, पांच शुक्रवार। तो पांच शुक्रवार आप तो अगरबत्ती वहां पर जाकर अर्पण करते रहें, ये जो अगरबत्ती है इसको आपने पीपल के पेड़ के नीचे या आंकड़े के पौधे के नीचे आपने इसको रख देना है, और जो वह सात प्रकार की मिठाई और मीठा पान है आपने अपने मस्तक को, अपने माथे को लगाने के बाद आपने उस व्यक्ति का ध्यान धरते हो जिसके लिए आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो इनकी जड़ में जो ये पौधे हैं और जो जो पेड़ है, आप पीपल का पेड़ और जो वह आंकड़े का पौधा है, तो उनकी जड़ में आपने इस मिठाई और मीठे पान को अर्पण कर देना है। सुबह सूर्य उदय से पहले, रात्रि सूर्य अस्त होने के बाद आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो पांच शुक्रवार में आप जिसके लिए इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो उसके दिल में आपसे मिलने के लिए तड़फ पैदा होगी, माता मोहिनी जी जागृत होगी और आपको इस वशीकरण शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और आप एक बार इस टोटके की विधि को अपनाकर देखें तो इसका जो चमत्कार है आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।